संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंस होते हैं और यह सरल सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा आवर्धन प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम एक लेंस का उपयोग करते हैं और उससे कई गुना अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए, हम वस्तु को कई गुना बड़ी देखना चाहते हैं इसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसमें हम अति सूक्ष्म कणों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये दो लेंसों के संयोग से बनने वाली एक युक्ति है जिसमें बहुत छोटे छोटे कणों को भी, बहुत सूक्ष्म कणों को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें दो लेंस का हम उपयोग करते हैं। एक होता है हमारा अभिदृश्यक लेंस, ये वाला देखिए ऑब्जेक्ट लेंस ओ, और एक होता है हमारा नेत्रिका लेंस आई लेंस। अब जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसका जो द्वारक है वो छोटा है और फोकस दूरी भी अपेक्षाकृत कम है। नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा है और फोकस दूरी भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। अब ये दोनों लेंसों की मदद से अति सूक्ष्म कणों को कैसे देखेंगे? तो देखिए, हमें इसमें देखना होगा कि ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस ओ, और ये इसका प्रथम मुख्य फोकस है एफओ, और ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है एफओ, जिसे हम फोकस बोलते हैं, जो हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। नेत्रिका लेंस में अगर हम आए तो ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, इसे हम ई के नाम से दर्शा रहे हैं, और ये इसका फोकस है एफ ई, प्रथम मुख्य फोकस, और इधर ये एफ ई इसका द्वितीय मुख्य फोकस है। इसका प्रकाशीय केंद्र हम ओ से ही दर्शा रहे हैं, इसका प्रकाशीय केंद्र हम ई से दर्शा रहे हैं। व्यवहार में हम अभिदृश्यक लेंस को ओ बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस और नेत्रिका लेंस को ई बोलते हैं। अब देखिएगा हम करते क्या है, हम वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के फोकस से कुछ परे रखते हैं, कुछ दूर रखते हैं। तो ये वस्तु है, हमने यहां ए बी वस्तु रखी है और ये वस्तु ए बी इस अभिदृश्यक के फोकस से कुछ दूर रखी है। अब देखिए, जो दो बातें हम हमेशा से जानते हैं और हमें उनका ध्यान रखना है कि वस्तु से कम दो किरणें चलाना है, दो प्रकाश किरणें चलेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है। देखिए ये जो लाइन है पूरी, जो दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो जो किरण है ये एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, किरण वस्तु ए बी के शीर्ष ए से चल रही, देखिएगा ये मुख्य अक्ष के समांतर, और ये इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस से होती हुई यहां आ जाएगी इस जगह। अब इस शीर्ष ए से ही एक और किरण चलेगी जो इसके प्रकाश केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी और ये यहां आकर दोनों किरणें मिल जाएगी। इस प्रकार ये ए बी का उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पी क्यू प्राप्त हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये वस्तु ए बी है और इसको अभिदृश्यक लेंस ओ के फोकस से हमने यहां दूर रखा है, और इस ए बी से चलने वाली जो किरण है ए से मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर ये यहां आ गई। एक किरण सीधी चली तो ये सीधे प्रकाश केंद्र से होती हुई ये यहां आ गई। नियम में हम जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये गुजर गई, और जो प्रकाश केंद्र की दिशा से निकलेगी वो सीधी निकल जाएगी, ये सीधी निकल गई। अब दोनों किरणें यहां आकर मिली है तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया पी क्यू। कैसा बना ये देखिए इसको, ये वस्तु ए बी है और इसके सापेक्ष इस पी क्यू को अगर आप देखें तो ये उल्टा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। अब हम इस नेत्रिका को आगे पीछे करके इस ढंग से संबंधित करेंगे, एडजस्ट करेंगे,
कि ये जो PQ बना है, इस PQ को इस नेत्रिका के फोकस के बीच में, ये देखिए नेत्रिका लेंस है और ये इसका फोकस है, तो नेत्रिका लेंस का जो ये प्रकाश केंद्र है ये और इसके फोकस, इन दोनों के बीच में इस प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। तो ये इस नेत्रिका के लिए जो PQ है अब ये वस्तु का काम करेगा। तो अब फिर क्या होगा, देखिए अब वस्तु का काम कर रहा है तो फिर वही एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाश केंद्र से, तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर और ये फोकस से होकर निकल गई सीधी, और एक ये देखिए ये प्रकाश केंद्र से गई तो ये तो बिल्कुल बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये PQ के जो शीर्ष Q से चलने वाली ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये इस नेत्रिका लेंस के फोकस से होकर सीधी गुजर गई और एक किरण प्रकाश केंद्र से सीधी होती हुई निकल गई। अब दोनों किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं तो देखिए डैश 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 के रूप में आप पीछे लाइएगा, डैश 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 बिल्कुल स्केल रखकर लाइएगा, डैश 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 करते हुए यहां आ जाएगी। इसको भी ऐसे ही पीछे लाइए, डैश 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 करते हुए ये यहां आ गई और ये यहां एस पर आकर मिल गई। तो इस तरह से ये आर एस हमारा अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब अगर हम देखें इस आर एस को ध्यान से तो ये आर एस इस वस्तु ए बी के सापेक्ष उल्टा है, लेकिन साथ ही उल्टा होने के साथ साथ ये इस ए बी के सापेक्ष उल्टा होने के साथ साथ ये आभासी है। तो उल्टा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है, काफी बड़ा है। तो इस तरह से यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमारा जो दो लेंसों के संयोग से बनाते हैं उसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष काफी बड़ा, उल्टा और आभासी बन जाता है, जिसे प्रेक्षक यहां से देखता है। तो यहां यह भी हमारी वस्तु है, PQ वस्तु ए बी का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और हमारा आर एस जो है यह अंतिम प्रतिबिंब है जो इस वस्तु ए बी के सापेक्ष कैसा है, उल्टा है, आभासी है और इस वस्तु ए बी से काफी बड़ा है। यहां हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह जो नेत्रिका लेंस है यह प्रतिबिंब PQ के लिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। देखिए आप इधर ही बना देता है इसको और इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाती है, ये प्रतिबिंब PQ रहता है तो ये इसका प्रतिबिंब इधर यहां RS के रूप में बना देता है। तो क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि हमारे पास दो लेंस है, एक अभिदृश्यक लेंस और एक नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की ओर होगा उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहेंगे और जो हमारे नेत्र की ओर है उसे हम कहेंगे नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक थोड़ा छोटा होता है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब इसमें अभिदृश्यक लेंस के सम्मुख ये एक फोकस जो इसको हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस एफओ और ये इसका दूसरा फोकस द्वितीय मुख्य फोकस एफओ जिसे हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। ये वस्तु को हमने इसके फोकस से दूर रखा है और इस वस्तु ए बी से ये प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर और इसके ये द्वितीय मुख्य फोकस से होती भी यहां आ गई, एक और किरण चली देखिए आप ये प्रकाश केंद्र से सीधी गुजरती हुई यहां आकर मिल गई। इस तरह से ये ए बी का ये यहां उल्टा वास्तविक और ए बी से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब पी क्यू हमें प्राप्त हो गया। हमने इस ई को एडजस्ट किया और ऐसे एडजस्ट किया कि पी क्यू जो है इस ई के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, ये प्रकाश केंद्र है, ये प्रकाश केंद्र और ये फोकस, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में इसे प्राप्त कर लिया हमने इस ई को आगे पीछे खिसकाकर, ये दंड चक्री व्यवस्था द्वारा हम इसको आगे पीछे करते हैं। अब ये वही उसी सिस्टम से हमें चलना है, क्यू से चलने वाली यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर और ये फोकस से होकर गुजर गई और ये एक और किरण जो प्रकाश केंद्र की दिशा से सीधी निकल गई। अब दोनों किरणों को हम पीछे लाए तो ये आप यहां से स्केल रखकर डैश डैश करते हुए पीछे की तरफ लाइएगा, ये पीछे की तरफ लाए और इसे भी आप पीछे की तरफ डैश डैश करते हुए लाइएगा तो ये अंतिम प्रतिबिंब हमारा आर एस यहां प्राप्त होगा।
और ये इस वस्तु AB के सापेक्ष काफी बड़ा होगा, उल्टा होगा और आभासी होगा। तो इस तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों के संयोग द्वारा आवर्धन प्राप्त करने की वह युक्ति है जिसमें हम अति सूक्ष्म कणों को या अति सूक्ष्म कणों को भी बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतिबिंब बनता है RS, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अर्थात नेत्र जहां जहां तक और जिस दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सके वह न्यूनतम दूरी, तो वहां ये RS हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम समझते हैं। Thank you.